मैं कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया, यह है थाईलैंड सीरीज का चौथा भाग। इस एपिसोड में मैं आपको लेकर जाऊंगा बैंकॉक की एक सबसे खूबसूरत जगह पर, जिसका नाम है फ्रा सुमेन फोर्ट, जो एक नदी के किनारे पर है। एक मंदिर जो नारकंडा हिमाचल प्रदेश के हाटू माता के मंदिर की तरह है। स्ट्रीट फूड का मज़ा लेंगे सिर्फ 35 पार्ट में, और पूरा मेन्यू आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या वहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद हम जानेंगे कि दुरियन फूड क्यों बैन है हॉस्टल में, और लास्ट में आपको खाउसन रोड के नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, ये है एपिसोड 4 थाईलैंड सीरीज। हम लोग खाउसन के लिए पीछे छोड़ के होटल से निकल के यहाँ पहुँचे, और ये एक चौक है। उस चौक से एक बहुत खूबसूरत संगमरमर की एक मूर्ति बनाई गई, जिसमें चार हाथी हैं अलग अलग। सनसेट देखने का मज़ा आएगा। यहाँ सनसेट का टाइम करीब 7 बजे के आसपास का है, जो नेट पे अवेलेबल है। कॉर्नेशन सेरेमनी चल रहा है यहाँ की, जो 10वें राजा है, और पूरा का पूरा शहर इस वक्त सजा रखा है। ये सारे पंडाल इस वक्त लगे हुए हैं, इस तरफ फूड के अरेंजमेंट्स है। तो लोग राजा को मानते हैं, इनफैक्ट भूटान में भी ऐसा ही था। भूटान के लोग भी राजा को बहुत मानते थे, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। चौक के ऊपर जो रॉयल पैलेस रॉयल होटल है, देखो राजा की मूर्ति लगी है यहाँ पर, एक पूरा मूर्ति लगाई जिसको पूरे अच्छे से डेकोरेट किया है। सारी की सारी लाइटें ऑन है इस टाइम भी। खूबसूरत नज़ारा है, देखने में अच्छा लग रहा है। हमें फै सुमेन फोर्ट, तो वहीं पर जा रहा हूँ। देखने में तो अच्छा है, नदी के किनारे पर है, सनसेट देखने का मज़ा आता, लेकिन बादल आ गए अचानक, सन तो नज़र ही नहीं आ रहा है। आंधी के आने के पहले जो पीली पीली रोशनी होती है ना, ये वो है। एक कैनल लगी है बहुत बड़ी, एकदम वाइट कलर में है। देखिए कैसा दिखता है ये कुछ इस तरह का नज़ारा है। ये कैनन रखी है ब्लैक कलर की, एक नीचे है, दो ऊपर है, नीचे बड़ी है, ऊपर थोड़ा छोटे वाली है, और ऊपर का व्यू कुछ इस तरह से है, और ब्यूटीफुल स्काई। एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पर है।
एक शहर के अंदर एक नदी होनी चाहिए जैसे यहाँ पर है, बिकॉज एक तो नदी के बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं, टूरिज्म कितना प्रमोट हो सकता है। ये जो नदी जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ और ये जो जगह है ये सुमेन फोर्ट के नाम से जाना जाता है, और ये जैसे बांद्रा में आप स्टीलिंग देखते हैं ना बिल्कुल वैसे ही वो वायर्स को बना करके यहाँ पर एक ब्रिज बनाया गया था नदी को क्रॉस करने के लिए यूज़ होता है। ये एक बिल्डिंग है और इसमें बोट चलते हैं, मतलब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितना कुछ किया जा सकता है हमारे देश में, बशर्ते वहाँ इस तरह की पानी को मैनेज करने स्टोर करने का ऑप्शन हो। सोचिए कि हर बड़े शहर के बीच में से दो या तीन इस तरह की नदियाँ बहती हों, इतना सारा पानी वहाँ हो, पानी के पास आने का फ़ायदा यह रहता है कि वहाँ बड़ा अच्छा सा फील होता है, बड़ा प्यारा ठंडा ठंडा सा अब महसूस करते हैं खुद को कुदरत के साथ जुड़ा हुआ। अब ये आसमान के इतने खूबसूरत रंग है और पानी की में जो इसकी रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं ये कहाँ मिलेगी देखिए, अगर कभी गवर्नमेंट में आने का तो मेरा काम रहेगा कि मैं इतनी नदियाँ बनाऊँ देश के अंदर, इतनी नदियाँ बनाऊँ कि हर एक नदी में ढेर सारा पानी हो और ना तो हमें फ्लड की टेंशन रहे ना हमें पानी के शॉर्टेज की टेंशन रहे, हमारे पास पानी के सोर्स इतनी नदियाँ बनानी होंगी। आजकल जब मैं देखता हूँ ना बड़ी बड़ी नदियाँ और नाले तो उसमें पानी नहीं है, पानी नहीं है तो उनको लगता है कि खाली ज़मीन पड़ी है, खाली ज़मीन है तो कोई ना कोई बिल्डर आ जाता है, लोग उसमें कब्जा कर लेते हैं, उन सबको हटाओ और हटेंगे तो अपने आप पानी छोड़ दो, पानी आना चाहिए, इतना पानी भेजो इतना पानी भेजो कि लोग खुद उस जगह को खाली कर दे और नदी अपना रास्ता खुद से बना पाए। ये देखिए शुभ कितना अच्छा लग रहा है चलता हुआ यहाँ पर, बाट की राइड है इस तरह की अगर आप लेना चाह रहे हैं। देखिए एक और बोट आई, ये जो बोट जा रही है इस साठ बाट में आपको लेके जाती है एक तरफ से दूसरी तरफ और फिर वापस की यहीं लेकर के आती है। क्या एक्सपीरियंस है, मेरे होटल से सिर्फ 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है, ये इंडियन 10 मिनट नहीं है जहाँ पे हम लोग हर चीज़ को 10 मिनट बोलते हैं, एक्चुअल में 10 मिनट के डिस्टेंस पर है। निकले और यहाँ पहुँच गए, मुझे लग रहा है सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक करनी थी तो मॉर्निंग रन वॉक यहाँ करके की जाए, सुबह आने वाला हूँ यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए और रनिंग के लिए। नहीं अभी माता का मंदिर भी इस तरह की वुड से बनाया गया है और कुछ देखने में ऐसा ही है, अगर आप उसको कभी किसी फोटो में देखेंगे अगर आप नेट पर सर्च करें तो हाथू माता टेम्पल HADDU हाथू देवी का टेम्पल आप सर्च करना, कुछ ऐसा ही लुक रहेगा, टोटली वुडन मेड है वो देवी की तरह, पर ये ठंडी ठंडी हवा का जो एहसास क्या है ना उसका कोई जवाब नहीं है। मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ, आप भी आए तो इस जगह जरूर आइएगा, जगह का नाम है फारा सुमेन फोर्ट, ये खाउसन रोड से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, खूबसूरत जगह दोस्तों, इंजॉय करिए। ये राइस नूडल विद रेड पोक, इसको खाऊंगा कि देखते हैं सर क्या ये है जो अभी हो गया।
ले उठा ले खा ले। मैंने नहीं खाना, मैं अपने खा के दे रही हूँ, लो खाओ। सूप को देने रहते हैं। ओके खा पाऊँ खा गुड यार दिस इज गुड थैंक यू अशी बोरे बोरे ये तो छोटे ना यामा की स्कूटी है यामा की स्कूटी तो पहली बार देख रहा है ये स्कूटी चार पाँच लाख की कमाती है तुमने ऑर्डर किया अपने लिए कुछ भी नहीं ऑल नॉन वेज ऑल नॉन वेज नॉर्मल 35 बाट एक्स्ट्रा आप लेंगे तो 45 बोले तो समवेयर 80 रुपीज रुपये में डिनर हो गया गुड फूड 35 बाट आई लव इट फीलिंग स्टॉप नाउ येलो और ग्रीन कलर की जो गाड़ी मेरे पीछे खड़ी है ये यहाँ की टैक्सी मीटर टैक्सी है मीटर के हिसाब से चलता है जैसे मुंबई की ब्लैक एंड येलो वाली होती है बिल्कुल वैसे ही टूरियन फ्रूट क्या होता है भी जरा देखना पड़ेगा पी के बंदा नशे में स्वीट है ये स्वीट है स्वीट है पता नहीं बैन क्यों आई डोंट नो ये टूरियन फ्रूट है और उसके अंदर से ये निकलता है ऊपर कांटे वाला है 322 रुपये थाई बाट का है एक या फिर किलो अंदर से ये निकला और वाई इज़ द ड्यूरियन फ्रूट बैंड इफ यू हैव स्मेल्ड अ ड्यूरियन इवन वंस यू प्रोबेबली रिमेंबर इट इवन विद द हस्क इंटैक्ट द नोटोरियस एशियन फ्रूट हैज सच अ पोटेंट स्टेंच दैट इट्स बैंड ऑन द सिंगापुर रैपिड मास ट्रांजिट Food writer Richard Straddling has written its odor is best described as turpentine and onions garnished with a gym sock. Yeah. इसकी smell की वजह से इसको ban किया गया है ना कि alcoholic चीज़ों की नशा नहीं है पर smell बहुत बुरी है गंदी smell yes कैसी gym वाली socks जैसी हाँ सीने वाली kind of